और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। गुरमीत सिंह होंगे नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आदेश जारी कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस रह चुके हैं गुरमीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल चुका है। तो गुरमीत सिंह अब नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आदेश जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस रह चुके हैं गुरमीत सिंह। भोपाल में पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा ने प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे खत्म करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सलाह भी दी है। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन से निवेदन किया है कि प्रशासन में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर भर रहे हैं और ऐसे अशुद्ध तत्वों को बाहर करने की आवश्यकता है। उनकी माने तो ऐसे तत्वों के चलते विकास में अड़चन आती है और जनता परेशान होती है, इसलिए ऐसे लोगों पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं, ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। जयवर्धन सिंह ने बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के बयान पर कहा है कि ये केवल अकेले रघुनंदन शर्मा की पीड़ा नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है क्योंकि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। नहीं है, ये भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की पीड़ा भी है क्योंकि भाजपा के अब ये चौथी टर्म लगभग आ गई है। सीएम साहब को तो पहली बार मौका मिला है सीएम के रूप में, लेकिन आज भी एक प्रकार से जो अहंकार प्रशासन में आ गया है, एक विधायक की या पूर्व विधायक की जो सुनवाई होनी चाहिए है, प्रशासन को तत्काल विधायक के कहने पर जो कार्रवाई करनी चाहिए है वो कहीं पर नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर योजना में जमीन पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भोपाल के बैरसिया तहसील में उखड़ती सड़क का वीडियो वायरल होने के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वीडियो उनके संज्ञान में है और जांच दल मौके पर पहुंचकर जांच करेगा। जांच के बाद तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने उखड़ती सड़क का एक वीडियो जारी किया था और क्वालिटी पर सवाल खड़े किए थे। दो दिन पहले ही डली तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अरुण यादव जिन्होंने सवाल उठाए थे खराब सड़क को लेकर। उन्होंने गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे और कहा कि ये किस तरह के गुणवत्ता के सड़क बनाए जा रहे हैं जो उखड़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद राकेश सिंह मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और फौरन जांच के निर्देश दिए हैं। बीजेपी विधायकों को अपनी विधानसभा के विकास का रोडमैप तैयार करने और 100 करोड़ रुपए दिए जाने पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले भी बीजेपी विधायकों को पैसे देती थी और उस समय कांग्रेस विधायकों ने की विकास के लिए पैसे की मांग जो नहीं दिए गए, वहीं उन्होंने 100 करोड़ दिए जाने की बात को हवा हवाई करार दिया है। कहा था कि ये पक्षपात हो रहा है बड़े स्तर पे। कुछ महीने पहले ही ये खबर भी सामने आई थी
कि एक एक भाजपा के विधायक या सांसद के अनुशंसा पर 5-10 करोड़ रुपए हर जनपद में दिए जा रहे थे सरपंचों को, हमने भी मांग रखी थी। ये तो अभी हवा में बात कर रहे हैं। हर एक 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 रोड अगर आप देखें तो अनेकों ऐसी सड़कें हैं MPRDC में जो आती हैं, इसकी लागत ही होती है 120-180 करोड़ की, तो एक काम हो गया, लेकिन ऐसे अनेकों काम चल रहे हैं, इसका पहले कारण। कहते हैं एक बच्चे के विकास के लिए स्कूल बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे स्कूल पहुंचे तो कैसे जब स्कूल तक जाने के लिए सड़क ही ना हो। दरअसल डिंडौरी से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां बच्चों के लिए स्कूल तो है लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर बारिश के बीच सड़क पर जाम लगा दिया है और स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को कीचड़ के दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये डिंडौरी समनापुर मार्ग की है जहां शासकीय मॉडल स्कूल धनुआ सागर के छात्र मुख्य मार्ग से गांव तक जाने के लिए सड़क की मांग को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य शहडोल में सीएम राइस स्कूल के हालत बद से बदतर हो चुके हैं। बुढ़ार ब्लॉक का सीएम राइस स्कूल महज एक घंटे की बारिश में तालाब में तब्दील हो गया है। बारिश के चलते कैंपस में पानी भर चुका है और छात्रों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ता है क्लास तक। ये बताया जा रहा है कि नालियों में मलबा भरा होने के चलते ऐसे हालात बने हैं। ये भी बता दें कि बुढ़ार सीएम राइस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं चलती हैं और स्कूल में 900 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। पूरे मामले में आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर की माने तो पुरानी बिल्डिंग में स्कूल संचालित है और जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल चलेगा जिसे की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मिनट पर ही बारिश हुआ है जिससे क्लास में पानी भर जाता है और हम लोग की पढ़ाई में दिक्कत जाती है और कभी कभी गिर भी जाते हैं तो ड्रेस भी गीली हो जाती है, बहुत दिक्कत। लेकिन हर साल पानी गिरने के कारण हमारे स्कूल में पानी भर जाता है जिससे हमें पढ़ाई में बड़ी कठिनाई होती है। क्लास ग्राउंड में आने में पूरा जूता उतार कर जाना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कितना पानी गिरा है और इसकी वजह से हमें क्लास में चला गया है और अभी अभी साफ भी आया था। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय की नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल जाए, किंतु अभी कुछ दिनों से नाली का पानी और बाहर के बारिश रोड का पानी विद्यालय में घुस रहा, उसके कारण हमारी क्लासेस अव्यवस्थित हो गई। सीएम राइज की नई बिल्डिंग एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कूल था उत्कृष्ट विद्यालय उसी में सीएम राइज हम लोग चला रहे हैं और ये बिल्डिंग 1-2 साल 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, पर अभी जो प्रॉब्लम है दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए BO को मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ एंड वेरी सून आई विल टॉक टू हिम, आई विल कॉल हिम। मैंने घर से अगर होंगे तो बुलवा लूँगा मैं और मैं CMO से उनकी बात करवाऊंगा, कोऑर्डिनेट करेंगे वो। मैं कोशिश करूंगा कि नगर पालिका। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है जहां ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है और बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ही ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। ग्वालियर के झांसी आगरा बाईपास पर हादसा हुआ, हादसे से नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, ग्वालियर शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर ये ग्वालियर झांसी हाईवे जो बाईपास है उस पे सिकरोदा चौराहा है, यहाँ बाइक से जा रहे भाई बहन और भांजे को जो है एक ट्रक ने कुचल दिया। ये जो ट्रक था ये उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड बताया जा रहा है और सिकरोदा चौराहे पर ये घटनाक्रम हुआ है। इस घटनाक्रम में करीब 50 मीटर से ज्यादा दूर तक ये पूरा बाइक को घसीटता हुआ ट्रक लेके गया और उस दौरान जो है भाई बहन और जो भांजा था उन तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है और तीनों की डेड बॉडी यहाँ मौके पर ही अभी है और आसपास के जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया है और इस चक्का जाम के चलते यहाँ भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। दोनों तरफ अगर देखें तो करीब 55-7 किलोमीटर दूर ट्रकों की लाइन लग चुकी है। अभी पुलिस और प्रशासन जो मृतक के परिजन है और जो रिश्तेदार है उनको समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह जाम खत्म किया जा सके, लेकिन अभी गतिरोध बना हुआ है, लोग खासे नाराज हैं इस हादसे के बाद से
और तत्काल कार्रवाई के साथ ही आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो यही वजह कि अब प्रशासन जो है इस मामले को समझाइश देकर खत्म कराने पे लगा हुआ है, और ताकि चक्का जाम खत्म किया जा सके। लेकिन बड़ा दुखद हादसा है जिसमें 3 की मौत हो गई और 1 बच्ची इसमें घायल बताई जा रही है मामले। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। सिवनी से खबर है जहां बेरहम मां ने 2 साल की बेटी की जान ले ली। पति से विवाद के बाद बेटी को मौत के घाट उतारा है। पानी की टंकी में डुबाकर मासूम की हत्या कर दी गई। बेटी को मारकर महिला ने आत्महत्या का प्रयास भी किया है और कुएं में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने महिला की जान बचा ली। मंडला जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जरूरतमंदों को 3 से लेकर 4 हजार तक खून बेचे जाने की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है। अनुबंधित फर्म के 3 कर्मचारियों की सेवा खत्म करने के साथ ही 11 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। इतना ही नहीं, ब्लड बैंक में सक्रिय माफिया प्रदीप बर्मैया के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होते ही ब्लड माफिया प्रदीप बर्मैया भूमिगत हो गया है। हाँ, निकला बाहर तो एक आदमी मेरे को मिला कि क्या भाई ब्लड की जरूरत है क्या, ऐसे करके पूछ रहा। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ भैया ब्लड की जरूरत है। तो बोले इतना पैसा लगेगा, ब्लड मिल जाएगा। हमने कहा और हमारे कोई जान परिचित नहीं है यहाँ, तो हमें जरूरत है भाई तो हम चाहिए, ऐसा बोला। तो ब्लड हमने पैसा दिया उसको, ब्लड हमें बुधवार के दिन मिल चुका। इसके बाद तीसरे दिन की बात भी चल रही थी, उस दिन अभी लाल पर्ची दिए डॉक्टर ने, तो हम उसके लेकर ब्लड बैंक के तरफ जा रहे थे तो वो फिर मिल गया। जैसा लाल पर्ची देखा और वो फिर पूछने लगा कि फिर चाहिए। मैंने कहा हाँ, बात चला लेकिन उस दिन नहीं हो। जानकारी प्राप्त हुई थी कि वहाँ ब्लड बैंक से कुछ पैसों का लेन देन हुआ है, तो फूल सिंह मसराम मर्सकोले उसके द्वारा जानकारी दी गई थी कि मेरे से 3400 रुपया ले लिया गया है और मेरे को फ़ोन नंबर मिला है। तो उस फ़ोन नंबर से बात किए तो उसमें प्रदीप बर्मई। सावन और भादो महीने में शिव भक्तों को बिना अनुमति भगवान महाकाल की भस्मारती के दर्शन हो सकेंगे। जी हाँ, इस आने वाले महीने को लेकर महाकालेश्वर मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समिति ने एक बैठक की है जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया है और भस्म आरती दर्शन चलित व्यवस्था के तहत होगी। सावन भादो महीने में प्रतिदिन भगवान महाकालेश्वर की भस्मारती 22 जुलाई से 2 सितंबर तक प्रातःकालीन पट खुलने का समय प्रातः 3 बजे होगा, तो वहीं प्रत्येक सोमवार को भस्म आरती का समय प्रातः 2:30 बजे से होगा। कांवड़ियों के लिए विश्राम घर और सभी मंडपम में जलपात्र से बाबा महाकाल को जल अर्पण करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है और ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ यात्री जो बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे मंदिर पहुंचते हैं अथवा शनिवार रविवार सोमवार को कांवड़ लेकर आते हैं, तो उन कांवड़ यात्रियों की दर्शन व्यवस्था सामान्य श्रद्धालुओं की तरह निर्धारित रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।